हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस पार्ट में जो है हम जा रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो क्वेश्चन हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कर रहे थे, क्योंकि पीछे वाला वीडियो बड़ा हो गया था, तो हम इस वीडियो में अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहां तक हम पहुंच चुके थे पीछे वाले में, फॉर जजिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम बताए थे आपको कि जो समेटिव असेसमेंट का फंक्शन होता है वो केवल जो है मार्क देना या ग्रेड देना ही नहीं होता है, बल्कि जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है और जो इंस्ट्रक्शन के इफेक्टिवनेस है वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसको भी जज करने के लिए होता है। उसके आगे निकलते हैं। द टर्म समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय माइकल स्क्राइवन इन हिज क्लासिक एसे ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ इवेल्युएशन। कहा है, पहली बार जो शब्द है समिटी ऑफ फॉर्मेशन इवेल्युएशन, इसको पहली बार माइकल स्क्राइवन के द्वारा दिया गया था, विचार में लाया गया था, जो कि इवेल्युएशन के जो मेथडोलॉजी होते हैं उसमें लिखा था उन्होंने, जो क्लासिक एसे थी उनकी। अकॉर्डिंग टू हिम समिटी इवेल्युएशन रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ वर्थ वाइलनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विच हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। उनके अनुसार से जो समिटी इवेल्युएशन है वह इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम कि कामयाबी जो होती है, वर्थ वेलनेस होती है, उसकी असेसमेंट को दर्शाती है, बताती है, जो कि पहले से ही पूरा कर लिया है, विच हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। वेल फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रेफर्स टू द असेसमेंट और वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड कैन स्टिल बी मॉडिफाइड। जबकि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होते हैं वो ऐसे असेसमेंट को जो है रेफर करते हैं या इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के वर्थ को रेफर करते हैं जो कि अभी भी हो रही होती है और इसको अभी भी सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है। अ समिटिव इवेल्युएटर गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड जजेस द मेरिट ऑफ अवर ऑल इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस टू रिटन और अडेप्ट दैट सीक्वेंस। समिटिव जो इवेल्युएटर होते हैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और जो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस है उसके मेरिट को जज करते हैं, यहां पे दे रखे हैं, एंड जजेस किस लिए करते हैं, टू रिटेन और अडेप्ट दैट सीक्वेंस, जिससे कि वो अपने सीक्वेंस को उसका अनुकूल बना सके या उसको भी यूज कर सके, रिटेन कर सके। The audience of summative evaluation is the consumer of the instructional program, in contrast to the formative evaluator, whose audience is the designer and the developer of the program. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो summative evaluation के जो audience होते हैं वो instructional program के consumer होते हैं, और ये इसके विपरीत होते हैं। किसके विपरीत होते हैं? Formative evaluator के, जिसके audience मतलब formative evaluator के जो audience होते हैं वो एक designer होते हैं और program के केवल developer होते हैं। A formative evaluator is a partisan of the instructional sequence and does everything to make teaching learning better. जो formative evaluator होते हैं वो instructional sequence के जो है एक भाग होते हैं और ये teaching learning को अधिक से अधिक अच्छा करने के लिए better से better करते हैं या उसके लिए सब कुछ करते हैं। A summative evaluator is an uncommitted non-partisan person who is to pass judgment on an instructional endeavor. लेकिन जो समिटिव इवेल्युएटर होते हैं वो एक अनकमिटेड होते हैं। अनकमिटेड का मतलब होता है कि यहां पर में उनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है और नॉन पार्टिसन पर्सन होता है, क्योंकि उनका सीधा सीधा काम होता है कि जो हुआ है उसको चलो चेक करते हैं, ग्रेड देते हैं और बस थोड़ा सा जो है इसमें अगर कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनकमिटेड नॉन पार्टिसन इसको कहा गया है, जो कि इंस्ट्रक्शनल एंडेवर के बारे में, इंस्ट्रक्शनल एंडेवर का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन और कितना मजबूत होना चाहिए उसके ऊपर जजमेंट देते हैं। अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन दिस कॉन्सेप्ट्स बाय ब्लूम, हेस्टिंग्स एंड मॉडास। कहते हैं कि इसके बीच में जो भेद है उसको दिया गया है और इनके द्वारा कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसका नाम ब्लूम है, हेस्टिंग है और मॉडास है। समिटिव इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू देम इज जजमेंटल इन नेचर। उनके अनुसार से जो समिटिव असेसमेंट होते हैं वो नेचर में जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल का मतलब होते हैं, आपको पता ही है, बहुत ही आसान वर्ड है। इट्स पर्पस इज टू अप्रेज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम
फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसका जो पर्पस होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जज करना, अप्रेज का मीनिंग भी वही होते हैं, निर्धारण करना, जज करना, और साथ ही साथ में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए। इट इज एन एंड ऑफ द कोर्स एक्टिविटी, ये कोर्स एक्टिविटी के एंड में होते हैं। कंसर्न्ड विद असेसमेंट ऑफ द लार्जर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कोर्स और सबस्टांशियल चंक ऑफ द कोर्स, जो कि बड़े बड़े जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोर्स के, उनके साथ जो है जुड़े होते हैं, या कोर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसको सबस्टांशियल चंक कहा गया है। यहां पे आर पब्लिक एग्जामिनेशंस, एनुअल एंड टर्म टेस्ट्स आर ऑल समेटिव टेस्ट्स यूज्ड फॉर मेकिंग समेटिव इवेल्युएशन। कह रहे हैं यहां पर में कि हमारे जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, एनुअल या टर्म टेस्ट होते हैं, या सभी जो समेटिव टेस्ट होते हैं, उसका यूज किया जाता है समेटिव इवेल्युएशन को करने के लिए। इट इज मेजरमेंट ऑफ प्यूपिल्स अचीवमेंट एंड नॉट फॉर ऑफ दियर डे टू डे इम्प्रूवमेंट। कहते हैं कि प्यूपिल की अचीवमेंट को मेजरमेंट करने के लिए होता है, ना कि उसके जो डे टू डे इम्प्रूवमेंट होती है उसको बताने के लिए। दस इट इज ए स्टेटस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट की जो है वो स्टेटस इवेल्युएशन होते हैं। द मेजर फंक्शन इज दैट ऑफ ग्रेडिंग, प्रोमोटिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट। और इनका जो मेजर फंक्शन होता है, ग्रेड करना होता है, स्टूडेंट को प्रमोट करना होता है एक क्लास से दूसरे क्लास में, और साथ में अचीवमेंट की सर्टिफिकेट देनी होती है। इसके बाद है अगला जो इसका पैराग्राफ है, इसमें देखते हैं क्या है। इट मे टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ए यूनिट, टर्म और ए कोर्स ऑफ स्टडीज, या किसी कोर्स ऑफ स्टडीज, टर्म या यूनिट के एंड में हो सकते हैं। इट्स एम्फोसिस इज जनरली ऑन मेजरमेंट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर, समटाइम्स ऑन साइकोमोटर एंड ऑकेजनली ऑन अफेक्टिव बिहेवियर्स। अगर आप इस तीन के बारे में, साइकोमोटर, उसके बाद इसमें अफेक्टिव है, या आपका जो है जो इसमें दिया हुआ है, आप गौर से देख सकते हैं, कॉग्निटिव है, तो ये अलग अलग चीज है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेना पहले कि ये क्या चीज होते हैं। कॉग्निटिव होते हैं जब हम थिंकिंग करते हैं किसी चीज को। इसके बाद इसमें अफेक्टिव है, अफेक्टिव का मतलब है हम कभी कभी जो है उससे लगाव करके यूज करते हैं, और साइको का मतलब होता है कि इससे हमारा जो मतलब इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी है, या हमारा जो बिहेवियर है उसमें हमको कितना फर्क पड़ता है, इसको साइको कहा गया है, PSYCHOMOTOR। ये कॉग्निटिव, साइको और जो ये जो आपका इफेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये खासकर के डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी इस बात को कहा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे हम थे कि इसका जो इम्फेसिस होता है वो सामान्य तौर से जो है कॉग्निटिव बिहेवियर, कभी कभी साइकोमोटर, और कभी कभी जो है ऑकेजनली अफेक्टिव जो बिहेवियर्स होते हैं उसको भी बताने के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इज लिमिटेड टू फाइनल और सबमिटिव एग्जामिनेशन थ्रू ए वेटेड सैंपल ऑफ कम ऑब्जेक्टिव्स। कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं फाइनल और सबमिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जो कि क्या कह रहे हैं, थ्रू ए वेटेड सैंपल ऑफ कम ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, वैसे सम होना चाहिए, जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स के वेटेड सैंपल के जरिए होते हैं। द एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रेंजेज फ्रॉम 35% टू 70%। कहते हैं कि एवरेज डिफिकल्टी जो लेवल होते हैं क्वेश्चन के, ये 35% टू 70% के बीच में होते हैं। स्कोरिंग दाओ नॉर्मली नॉर्म रेफरेंस्ड कैन ऑल्सो बी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। कहते हैं कि भले ही नॉर्म रेफरेंस्ड का जो है ये स्कोर होता है, लेकिन इससे क्राइटेरियन रेफरेंस भी ये हो सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ स्कोर्स इज बाय ऑब्जेक्टिव्स। स्कोर के जो रिपोर्टिंग होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप जानते होंगे क्या होते हैं दोनों। तो समेटिव इवेल्युएशन इज दस ए जजमेंटल एक्टिविटी फोकस्ड ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। कार्य समेटिव जो इवेल्युएशन होते हैं इस तरीके से, वो जजमेंटल एक्टिविटी होते हैं, जो कि स्टूडेंट की अचीवमेंट को सर्टिफिकेशन पे फोकस की जाती है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज डेवलपमेंटल, नॉट जजमेंटल इन नेचर। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होते हैं वो डेवलपमेंटल होते हैं,
नेचर में जजमेंटल नहीं होते। इट्स पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। इसका पर्पस होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग और इंस्ट्रक्शन को जो है वो इम्प्रूव करें। देयरफॉर इट्स मेजर फंक्शन इज फीडबैक टू द टीचर एंड स्टूडेंट्स टू लोकेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। इन इस कारण से या इस वजह से इसका जो मेन फंक्शन होता है वो टीचर स्टूडेंट को जो है फीडबैक देना होता है, जिससे कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है निश्चित कर सके या लोकेट कर सके। इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड आइडियली शुड नॉट बी लिमिटेड टू असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन के समय में यह चलता है और आइडियली रूप से इसको कॉग्निटिव बिहेवियर तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। All classroom assessments which are not used for grading purpose, whether these are unit tests, informal tests, questioning during teaching, home assignments, teacher classroom observation of pupils' responses, are examples of formative evaluation. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी क्लासरूम के असेसमेंट होते हैं जो कि ग्रेड को पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, which are not used for grading purpose, चाहे वो इसमें यूनिट टेस्ट हो, इनफॉर्मल टेस्ट हो, पढ़ाते समय जो क्वेश्चन किए गए हैं वो हो, होम असाइनमेंट हो, उसके बाद टीचर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑफ प्यूपिल्स रिस्पॉन्सेज हो। यहाँ पर मैं मतलब टीचर जब क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय जो प्यूपिल्स जो होते हैं, मतलब स्टूडेंट जो होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्स होती है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होते हैं। फॉर फॉर्मेटिव टेस्टिंग स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन आर डिवाइस्ड। कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव टेस्टिंग के लिए खास करके जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है डिवाइस किए जाते हैं। एज फॉर जजमेंट्स और स्कोरिंग इट इज क्राइटेरियन रेफरेंस नॉट नॉन रेफरेंस्ड एज इन समेटिव इवेल्युएशन। क्योंकि ये जजमेंट और स्कोरिंग के लिए होते हैं तो इसीलिए ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होते हैं, ना कि नॉर्म रेफरेंस्ड होते हैं, जैसे कि नॉर्म रेफरेंस जो है आपका समेटिव इवेल्युएशन में होते हैं। अभी हम आपको नॉर्म रेफरेंस्ड और ये जो है ये हम नेक्स्ट में भी आपके क्वेश्चन में आएंगे और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड को। डिसीजंस आर मेड टू रिलेट टू स्टेप्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम विज़ेबी प्यूपिल्स लर्निंग। जो डिसीजन होते हैं वो बनाए जाते हैं ऐसे स्टेप्स को लेने के लिए जिससे कि इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो प्यूपिल्स लर्निंग है, ठीक है, इन दोनों को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए समझा जा सके। रिपोर्टिंग ऑफ प्यूपिल्स प्रोग्रेस इज डन इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल पैटर्न्स ऑफ पास फेल स्कोर्स ऑन डिफरेंट टास्क इन द हायरार्की ऑफ लर्निंग आउटकम्स। कहते हैं कि पीपल की जो प्रोग्रेस है उसके जो रिपोर्टिंग है वो की जाती है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पैटर्न, मतलब इंडिविजुअल पैटर्न के आधार पर में जो पास फेल स्कोर अलग अलग टास्क में जो दिए जाते हैं उसके ऊपर होते हैं। इन द हायरार्की ऑफ लर्निंग आउटकम्स, इन द हायरार्की ऑफ लर्निंग आउटकम्स का मतलब होते हैं कि हायरार्की का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, मतलब एक स्टेप वाइज होता है, सीढ़ी वाइज होता है, तो इसको हायरार्की कहा गया है, ठीक है, हायरार्की ऑफ लर्निंग आउटकम्स। The formative evaluation is therefore a means of determining what the pupils have mastered and what is still to be mastered, thereby indicating the basis for improvement of a student's learning. Formative evaluation जो है इस तरह से, इस वजह से ये या determine means of determining, इसका मतलब यह होता है determine करने का कि people ने जो है किस चीज के ऊपर जो है मास्टरी हासिल कर चुका है और क्या चीज बचा हुआ है जिसके ऊपर अभी भी मास्टरी हासिल करना है, और इस तरीके से स्टूडेंट लर्निंग में जो सुधार है, ठीक है, सुधार के लिए जो है ये एक बेसिस को बताता है, ये दर्शाता है। ओके, थैंक यू। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो इन शॉर्ट अगेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। दिस पार्ट आई हैव रीड